सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। बोर मार रहा है हमारे शादाब भाई, मैं क्या बोल रहा था, मंत्रा महल को जाके एक मैटनी शो में जबरदस्त फिल्म देख लेंगे, क्या बोलते? चवा चवा लाहौल रखो था, क्या यार हो, क्या आ रहा क्या नहीं, कुछ भी नहीं यार, रमजान आ रहा, जरा तो शर्म करो यार, क्या है। हमारे जनाब रिपोर्टर इरफान साहब भाई, मैं क्या बोल रहा था, एक गोवा की ट्रिप मान लेंगे उस्ताद, एक बोले तो क्या है, बोर बहुत मार रहा, कार रेडी है, बोले तो वॉश करा लेता हूँ, जवाब कुछ आधा उठा लेंगे, निकल लेंगे, क्या बोलते? लाहुल वाला हुआ था, इल्ला बिल्ला है, लिए लिए रहा हुए तुम्हारे बात, रमजान आ रहा, कैसे बात कर रहे तुम, लोग घर धो रहे, मस्जिदा धो रहे, पूरे गलिया देखो, पूरे साफ सफाई करके लोग हर चीज कर रहे, तुम देखे तो गोवा का प्लान डाल के बैठे, जवाब पूरा शौक छोड़ दिया, पूरे शौक खत्म कर लिया उन्होंने, रमजान आ रहा बोल के, तुम देखे तो गोवा 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 बोल के लेके बैठे, क्या बोल रहे, देख समझ के बोलो कि रमजान आ रहा। भाई 5 बज रहे हैं, 9 बजते की पहली फुर्सत में निकल लेंगे, क्या है, आज पार्टी है, उसका इनविटेशन है, 3 पास है मेरे पास, क्या बोलते? अरे नक्को यार हो भाई, रमजान आ रहा नक्को, क्या बात है यार, अरे क्या बात कर रहे, जरा समझाओ यार, वो कलर आ रहे थे, म्यूजिक रहती है, डिंचक डिंचक मजा आता है। अरे क्या यार, ओवर कर दे, हद कर दे रहे यार तुम तो, अरे यार एहतराम करो यार, रमजान आ रहा बोल रहे, बात भी तुम अपना ही अपना ही गा रहे, क्या है, समझ में नहीं आता, अच्छा दिख, हम बोले तो अच्छा ना दिख रहा, अच्छा भाई हमारी मोहब्बत में एक एक खा लेना था यार, अरे भाई रमजान आ रहा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई छोड़ने की, खा लेंगे रे एक एक, बोल रहे सकते हो, अरे विश्वास से तो प्रैक्टिस कर रहा है, रमजान आ रहा बोल, एक एक खाने में जाता रे भाई, रुको जाओ भाई, अरे खुले जाता मर दिया, अरे तुम लगा यहाँ बैठ के क्या कर रहे यारो, चौरस्ते पर जबरदस्त बेहतरीन टुकड़ा है, नंबर देखेंगे, चलो। अरे यारो तुम चुप चुप शैतान के सर का भटका दे रहे क्या यारो, आके अच्छा बैठे सवाल को, वहाँ आके चीज कर रहे, यहाँ आके चीज कर रहे, खाली भटका दे रहे क्या यारो, चुप चुप क्या है, अजाब हो जा रहा है, चुप आ रहे जाएंगे, आ रहे जा रहे, अरे रमजान आने वाला है यारो, रमजान का एहतराम करो, तुम लगा तो करने के पूरे हरकत कर रहे, कुछ भी बोले तो रमजान आ रहा बोल रहे, क्या है ये हिम्मत, वो बोलो भैसे आके अकेला पटा के जाओ 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 बड़े भाई जाओ, अरे आ रहा भटका रहा, छुप छुप के आ रहा, खाली पीली रमजान आ रहा, बोर मार रहा रो, अरे भाई बोर हो जा रहा, आखिरी भाई तो क्या करेंगे, आलम जाके पॉट्स ला लेंगे, चलो मैं बोल रहा हूँ रमजान आ रहा बोले तो तुम जाके एयरपोर्ट ले गए, गाने सुनेंगे बोल रहे क्या, अरे गाने सुनने नहीं यार, कुरान सुनने के वास्ते, DKZ के जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, तो DKZ वाले रमजान गिफ्ट दे रहे लोगों को, बोट का 1500 रुपए का है, फ्री में गिफ्ट दे रहे, खाली इनके इन्वेस्टर्स सुन रहे, तो क्या करने का है, जितने भी हमारे ओल्ड सिटी के भाई है ना, उल्ला दोस्तों खिलवत पे जैसो काका जी सेंटर बोल गए, वहाँ पे जाके वहाँ पे DKZ की नई ऑफिस है, वहां से बोट बोट के एयरपोर्ट ले सकते, पहले ऐसा मेंबरशिप कार्ड बता के लेने की रहती, और हमारे जितने भाई सिटी में रहते, कोंडापुर का जो हमारा डिकाजो का आउटलेट है, वहां पे जाके ले सकते, बस सिंपल, इसका ऐसे जाके ला लेंगे, हमारे भी इन्वेस्टर होना है। तो भैया DKZ क्या तो भी है जी? भाई देखो DKZ एक जो है सो बेहतरीन जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते, जेन्यून है, लाइसेंस्ड है, और वहां पे उनके जितने भी इन्वेस्टर्स है पूरे खुश है, उन लोगों के खुद के रिव्यूज भी जो है सो मैं देखा सुन, आपको भी दिखा पा रहा, बताओ बताओ देखेंगे, अरे सुने आप, इन लोगों के आपके खुद के प्लान है, 1 मंथ प्लान है, जिसमें आपको जो है सो 10-12% का प्रॉफिट मिलेगा, इनका एक और है बजट सेविंग प्लान, जिसमें आपको जो है सो 13-15% का प्रॉफिट मिलेगा, एक और है बजट सेविंग प्लस प्लान, जिसमें आपको जो है सो 15-17% का रिटर्न मिलने वाला है, एक और उससे बेहतरीन है ऑर्बिट मंथ, जिसमें आपको 24 महीने के अंदर 100% रिटर्न है और एवरी मंथ प्रॉफिट भी है, समझ रहे हैं आप, तो आपको कुछ भी करना नहीं है भाई, मेंबरशिप कार्ड आ रहा था उसका, ऑर्बिट वालों के मेंबरशिप का कार्ड दे रहे, वो कार्ड लिख जाए कि आप किसी भी सुपरमार्केट में बता दिए तो आपको डिस्काउंट, स्कूल में बता दिए जो भी इनके उनके साथ जो अटैच है वो स्कूल में बताया तो आपको जो है सो फीस भी डिस्काउंट है, ये खाली ऑर्बिट वालों में था, मगर आपकी बार लगा 1 मंथ प्लान, छोटे से छोटे प्लान वालों की भी जो है सो मेंबरशिप कार्ड दे रहे, जिससे उसे फायदा उठा ले सकते हो, सुने आप लगा, तो आप लगा विचार है इन्वेस्ट करना तो आप कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट रहा तो स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा, वहां पे जाके आप उनसे मिल ले भी सकते, ऑफिस भी जो है उनकी माधवपुर पे ऑफिस है, किसी भी तरह का डाउट रहा फोन कर लिए, गए मिले सेटिस्फाई हो गए इन्वेस्ट कर दे सकते, सुन रहे हैं आप लोग, फोन में वहां को लिंक डाल दो,
आज तो चलो वहां जाके एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे खिलवत। चलो भेजेंगे गाड़ी निकाल सर। अरे शादा चला रहे गाड़ी चला भाई। वो जुनैद भाई की दुकान पे जाएगा, पैन कार्ड का लिंक कराना है। जुनैद भाई का जी फिरोज भाई का कराएंगे, दूसरों का कराए तो क्या बोल रहे, कोई 1400 कोई 1500 बोलते जा रहे। करा लू मैं बात कर दो बचानत के, अपने दोस्त के भाई है ना, करा रहे कैसा भी करा लेंगे रे भाई। बेटे तुम ला चलो मस्जिद के, चलो मैं आ रहा हूँ, चलो आप चलो बेटे सीधा जाओ, इधर उधर न जाना। अरे फिर आ गया रे नहीं, अरे फिर आप करता लेट 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 वालेकुम सलाम भाई, चलिए नमाज को। हाँ हाँ चलिए आ रहे हम ना, रमजान आ रहा ना, आ रहे रमजान में पढ़ते इंशाल्लाह। अच्छा तो खाली आप ना रमजान के मुसलमान है, बोलो खाली रमजान में नमाज पढ़ते, रमजान में कुरान पढ़ते और खाली रमजान में इबादत करते आप लोग, नहीं बाकी के 11 महीने क्या करते आप, बाकी के महीने आप मुसलमान नहीं है। नहीं नहीं आ रहे भाई आप चलिए आ रहे। रमजान मगफिरत का महीना है, रमजान बरकतों वाला महीना है। अगर आप एक फर्ज नमाज पढ़ेंगे रमजान में तो अल्लाह ताला आपको 70 फर्ज नमाजों का सवाब देंगे। अगर आप एक छोटी सी नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको 70 नेकियों का सवाब देंगे। एक हदीस का मफहूम है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, के जिस शख्स को रमजान का मुबारक महीना मिले और वो अपनी मगफिरत ना करवाए उस पर लानत है, समझे आप। तो अभी तक आप बैठे हुए क्या रो, चलो यार जमात का टाइम चल रहा है। नहीं चलो चलो अस्सलाम वालेकुम भाई, चलना था नमाज का टाइम हमारा। अरे तुम जाओ भाई, मैं पढ़ लेता हूँ रमजान में पढ़ता हूँ, तुम अभी जाके नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बोले कारोबार का टाइम है मेरा। अब तुम्हारा को भी समझाना पड़ता है।